एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस तरीके का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए किस तरीके से ये बना रखा है। आप इस पैटर्न को बेबी स्वेटर, गर्ल्स टॉप, कोई भी स्वेटर में आप डाल सकते हो। ये दो कलर का मैंने ऊन ले रखा है। 8 नंबर की निडल से मैं इसको बनाऊंगी। ये वाला पैटर्न मैं बना रही हूँ। देखिए पहले भी मैंने इसका वीडियो बना के दिखा रखा है इस टॉप का। अब मैं इसका पैटर्न दिखाती हूँ आपको। ये बॉर्डर बना दिया मैंने, अब इसमें पैटर्न शुरू करती हूँ। देखना, एक फंदा मैं ऐसे निकाल लूँगी, दूसरे फंदे को मैं ऐसे बना लूँगी। ऐसे ही मैं 8 फंदे शुरू में बनाऊँगी। आठ फंदे ये बना दिए और 2 रो मैंने पहले ये 2 उल्टी 2 सीधी करके 4 रो बना रखी है। तीसरी रो में मैं ये पैटर्न डालूंगी। ये पैटर्न बैक साइड से डलेगा। एक बार ये मोड़ लिया एक फंदे में, दूसरे फंदे में 3 बार मोड़ना है ऐसे, तीसरे फंदे में 4 बार और चौथे फंदे में भी 4 बार मोड़ना है, फिर 3 बार मोड़ना है, फिर ये 2 बार, फिर बीच में 9 फंदे में सीधे बनाऊंगी। 6 फंदों का ये पैटर्न है और 9 फंदे सीधे बनाने। ये 9 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब दोबारा वही रिपीट पैटर्न जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, 2 बार ये मोड़ लिया ऐसे, 3 बार मैं दूसरे फंदे को ऐसे मोड़ूंगी और 4 बार ये तीसरे फंदे और चौथे फंदे को मैं 4 बार मोड़ूंगी। ये 3 बार और ये 2 बार। अब ये बचे 8 फंदे मैं ऐसे बना लूंगी सीधे। अब बैक रो में मैंने 8 फंदे बनाए, 6 फंदों में पैटर्न दिया, 9 फंदे फिर बीच में सिंपल बनाए, फिर 6 फंदों में पैटर्न दिया, फिर 8 फंदे बनाए। ये 2 पैटर्न मैंने इसमें दे रखा है। अब मैं इसकी फ्रंट रो कैसे इसको बनाना है वो चीज़ फिर दिखाती हूँ। ये वाला फंदा मैं ऐसे निकाल लूँगी, धागा आगे, इन फंदों को, ये फंदे मैंने बना लिए। अब जो मैंने पीछे से धागा ऐसे लपेट रखा था, ये इस धागे को ऐसे खोल के ये फंदे को ऐसा ढीला बनाना है और फिर दूसरे फंदे को भी ऐसे ही बना लेना है। देखिए इस तरीके से ये बनेगा। ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जो 2 बार मोड़ रखा था, ये 3 बार और ये 2 4 4 बार, ये 3 ये 2 और ऐसे ही। अब ये 9 फंदे मैं बीच में सीधे बनाऊंगी। अब ये फिर दूसरा पैटर्न आ गया है। ये जो 1 बार मोड़ रखा है ये फंदा, ये है इसको ऐसे खोल देना है, फिर दूसरा फंदा भी ऐसे ही बना लेना है, ये पूरा खोलना है। इसी तरीके से मैंने ये 6 फंदे ये भी बना दिए।
अब इन फंदों को मैं सीधा बना लेती हूँ। ये एक पैटर्न मेरा कंप्लीट होगा। अब आपको सिंगल धागे में बनाना है तो इसी तरीके से बनाइए, और इसके पीछे दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी मैं डबल धागे में दिखाऊंगी आपको। अब ये बैक रो से दूसरा धागा लगेगा। दूसरा धागा मैं सीधे इस रो को उल्टी उल्टी बनाऊंगी, उल्टी उल्टी बना के फिर फ्रंट रो में दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके का ये पैटर्न डल गया है। अब मैं दूसरा पैटर्न इसमें दूंगी, जैसे एक दो, दो उल्टी दो सीधी ये धाड़ी मैंने दे रखी। देखिए जैसे मैंने इसमें चार धाड़ी दे रखी है, दो उल्टी दो सीधी, और वैसी इसमें मैं दो उल्टी दो सीधी धाड़ी बनाती हूँ, उसके बाद फिर पैटर्न शुरू करूँगी। ये चार रो बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ पैटर्न कैसे बनेगा। देखिए दो रो मैंने ये उल्टी बना दी, दो पीछे से उल्टी, चार रो की ये बना ली मैंने। तीसरी रो में जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न दिया, उसी तरीके से मैं दूसरी बार पैटर्न शुरू कैसे होगा और कहाँ से होगा वो चीज़ दिखाऊंगी। जैसे पहले आठ फंदे बनाने के बाद शुरू किया छह फंदों का पैटर्न, तो अब मैं शुरू से पैटर्न शुरू करूंगी। जैसे इस फंदे को निकाल लूंगी धागा इस साइड, और इस फंदे से ही पैटर्न शुरू कर दूंगी। देखिए ये छह फंदों में ये पैटर्न दे दिया मैंने। अब नौ फंदे में ऐसे ही प्लेन बनाऊंगी, जो पैटर्न पहले बना था नीचे से उसके ऊपर ये नौ फंदे प्लेन आएंगे, जो प्लेन बने थे पहले उसके ऊपर पैटर्न आएगा। ये नौ फंदे बना दिए मैंने। अब ये छह फंदों का फिर दोबारा ऐसे पैटर्न दे रही हूँ। छह फंदों का ये पैटर्न भी दे दी। नौ फंदे में ऐसे प्लेन बनाऊ। ये छह फंदों में मैं पैटर्न दूंगी। अभी इसमें दो बार पैटर्न आए, इसमें तीन बार आ गए। अब इनको भी मैं उसी तरीके से बनाऊंगी जैसे मैंने नीचे वाले में बनाया। ये देखिए ऐसे ये दो पैटर्न मैंने बना दिए। अब ये तीसरा पैटर्न एक बार और दिखाती हूँ कैसे ये बनेगा। मैं ऐसे बनाते समय ऐसे बराबर कर लेना दोनों को, ये खींच के अब इसकी बैक रो में ये ग्रीन कलर से बनाऊंगी। तीसरा पैटर्न शुरू होगा जिसे, और इस रो को मैं पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बनाऊंगी।
इस रो को कंप्लीट करने के बाद फ्रंट रो में दिखा दी। देखिए इस तरीके का पैटर्न बन गया। आप इसको बेबी स्वेटर, गर्ल्स टॉप, कोई भी स्वेटर में ये पैटर्न डाल सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के साथ जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी।